आज से ढाई साल पीछे चलते हैं कैलेंडर में डेट थी 7 जनवरी 2021 एकदम नॉर्मल दिन था बट रात को सब कुछ बदल गया क्योंकि किसी को बिना बताए अचानक से विदाउट वार्निंग सोशल मीडिया पे के जी एफ चैप्टर टू नाम का बॉम्ब गिरा दिया जाता है तो कहीं भाभी भाभी आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड बट भाभी लाइक्स मी आई कांट अवॉइड अब तू थोड़ा सा बहन का अब तुम कहोगे बलोत राय का चौथे कुत्ते ये तो दीदी है तो भाभी कहाँ से आ गई बे तो भाई जब अदिपुरुष की वीडियो में केजीएफ आ सकता है तो भाभी क्यों नहीं आ सकती है मतलब दीदी ने इतना केजीएफ केजीएफ कर दिया है जितना केजीएफ केजीएफ रॉकिंग स्टार स्टार्ट ने भी नहीं किया होगा देखो भाई जब से ये केजे मूवी आई ना माँ कदम सही बता रहा हूँ ऐसे पता नहीं कितने चैनल चल पड़े हैं वो तो मैं ही चुप किया था जिसे केजीएफ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी <laughs> पर भाई अधि पुरुष कितनी भी बुरी हो मुझे पसंद आएगी बिकाज भाई चैनल भी तो ग्रो करना है तो आगे तुम लोग तो भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जो आपदा को अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती ये ऐसी महिला है जो एक छोटी से न्यूज पे साढ़े तीन मिनट की वीडियो बना देती है और वीडियो बना के अपने आप को कूल दूर समझती है अरे नहीं भाई पहले दीदी के जीएफ के कर रही थी उसके बाद पठान पठान कर रही थी और फिर उसके बाद जवान जवान कर रही थी और अब अधि पुरुष अधि पुरुष कर रही है देखो भाई जैसा कि तुमको पता है की पुरुष का टेलर आने से पहले ही लीक हो गया था और दीदी ने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है हालांकि थ्री मिलियन वाले चैनल पे ऐसी चीजें शोभा नहीं देती और फिर भी आओ देखते हैं दीदी ने क्या कहा है और उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो भाई ताकि ये वीडियो पूछ हो सके और मेरा भी चैनल ग्रो हो सके अब यश का दिमाग ऐसी फिल्मों के अंदर नहीं चलता वो रियल लाइफ में भी आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं इसके बाद क्या हुआ बच्चा बच्चा जानता है गजब गजब वीडियो का टाइटल है आदि पुरुष ट्रेलर लीक और में भी वही चीज है और आईडनी देखो दीदी वीडियो में बात किसकी कर रही है चला ये वही लोग हैं जो वीडियो में तो बोलते हैं की वीडियो में घोड़ा है वीडियो में घोड़ा क्या लोड़ा अरे नहीं भाई अगर ये चीज मैं करता हूँ तो पब्लिक डंडे में तेल लगा के मेरी मारने के लिए तैयार हो जाती है और जब ऐसे लोग करते हैं तो वही पब्लिक कहती है कि वाह क्या वीडियो बनाई है कि वाह क्या वीडियो बनाई है मतलब साला कभी कभी लगता है आ, पे बात हो रही है फिल्म आदि पुरुष की जिसका ट्रेलर वैसे तो ऑफिशियली 9 मई को रिलीज होने वाला है लेकिन जैसा पहले ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था सिर्फ कुछ स्पेशल फैंस को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेलर को सबसे पहले देखने की जी हाँ आज 8 मई को आदि पुरुष फिल्म के ट्रेलर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है जिसमें फिल्म की टीम खुद पर्सनली मौजूद होगी अच्छा थैंक यू दीदी आपकी इस जानकारी ऐसी हमें बहुत फायदा होगा नहीं भाई दीदी ने हमें ऐसी जानकारी दी है की वो लाइफ में इतना काम आएगा इसलिए हम आई एस क्या नीट निकाल देंगे अरे दीदी -दी, हम भी प्रभास को फॉलो करते हैं और हम उनकी स्टोरी भी देखते हैं तो दीदी -दी, ये दो सेकंड की जानकारी को आपने जो तीन मिनट में कन्वर्ट किया है ना इसके लिए मैं आपको फिल्म फेयर क्या ऑस्कर दिलवाऊंगा क्या मतलब इससे ऑस्कर की बेजती हो जाएगी <laughs> पिछली बार भी टीजर के साथ यही हुआ था शुरुआत में सबको टीजर नॉर्मली लगा लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पे इसके वी का मजाक उड़ने लगा हर कोई भेड़ चाल में शामिल हो गया और फिल्म को कार्टून शो, कार्टून शो शो चिल्लाकर अपने खुद के ओपिनियंस को इग्नोर मार दिया विनोद जरा पता कर दीदी ने कितना पैसा खाया है देखो दीदी सबसे पहले हेपोक्रेसी की भी सीमा होती है क्योंकि भेड़ चाल में अकेले हम नहीं आप भी शामिल हुई थी और इसका सबूत आपके हजारों वीडियो देते हैं मतलब पहले जब पब्लिक अधिपुरुष के खिलाफ थी तो दीदी भी उसके खिलाफ वीडियो बना रही थी और जब अधिपुरुष की टीम ने अपने पीआर टीम को काम पे लगा के कुछ ऑडियंस को मैनिपुलेट करके अपने तरफ कर लिया तो दीदी भी आजकल हर कोई भेड़ चाल में शामिल हो गया और फिल्म को कार्टून शो कार्टून शो चिल्लाकर अपने खुद के ओपिनियंस को इग्नोर मार दिया मतलब पलटी मारना कोई इनसे सीखे चल मेरा पता चलता ना तो मैं बता रहा हूँ मैं दीदी का चैनल हैक करके अपना चैनल प्रमोट कर देता पर वो क्या है ना मेरे को जेन्युइन ऑडियंस चाहिए वाइल्ड इमेजिनेशन बोल सकते हो बट यस एक परसेंट ही सही चांसेस बनते हैं आदि पुरुष का ट्रेलर नौ की जगह अगर आठ मई को ही सोशल मीडिया पे रिलीज हो जाए तो सिर्फ इतना सा बहाना चाहिए कि ट्रेलर से रिलेटेड क्लिप्स इंटरनेट पे किसी XYZ बंदे ने लीक कर दिया है उसके बाद आदि पुरुष की टीम मौके पर चौका मार सकती है हाँ, जैसे की दीदी ने मौके पर चौका मारा है देखो भाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम दीदी की वीडियो आए हुए सिर्फ सत्रह घंटे हुए हैं इट मीनस की दीदी ने वीडियो आठ तारीख को तीन या बजे अपलोड किया था शाम को और उस टाइम तक ट्रेलर ऑलरेडी लीक हो चुका था तो दीदी की इस दिमाग में मेरी तरफ से सात तोफो की सलामी मतलब ऑडियंस के बेहकू बनाना कोई इनसे सीखे चला मेरा बच चलता ना तो इस टैलेंट के लिए मैं दीदी से ट्रेनिंग लेता पर वो क्या भाई पैसे नाम की भी चीज होती है जो की मेरे पास बिल्कुल नहीं है मैं गरीब हूँ और यहाँ जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर आएगा तब से लेकर जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाती दीदी इस पे इतनी वीडियो बनाएंगी इतनी वीडियो बनाएंगी कि जितना वेब सीरीज के पार्ट नहीं होते हैं और मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दुनिया में पहला ऐसा चैनल देखा है जो मूवी का पोस्टर तक को रिव्यू कर देता है फिलहाल किस्मत का फैसला तो जनता ही करेगी तो बताइए फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं आपको हिस्ट्री का सबसे बड़ा कम या फिर सबसे बड़ा फेलियर प्रभास एंड टीम के लिए आपके पास कोई मैसेज है तो नीचे लिख दो फटाफट पब्लिक इज द किंग भूलना हाँ, जैसे कि प्रभास इनके चैनल पे आके इनका कमेंट सेक्शन खोल के पर्सनली पब्लिक का मैसेज चेक करेंगे कुछ भी अरे नहीं भाई मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है की दीदी ने वीडियो बनाई क्यूँ था मुझे ये वीडियो बनने का पर्पज समझ में नहीं आ रहा है और बनाया भी है तो दीदी ने इसमें ऐसी क्या टॉप सीक्रेट चीज बोल दी है जिसमें सिक्स के व्यूज आ गए हैं मतलब भाई वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य होता है जैसे की मेरा है पर इस वीडियो को इससे क्या ये मुझे क्या खुद मस्क को समझ में नहीं आएगा देखो अब जो भी है दीदी ने पठान पठान कर लिया है, है। बताया था की दुनिया में तीन तरह के लोग रहते हैं। पहले रिव्यू करने वाले दूसरे अच्छे रिव्यू करने वाले और तीसरे रिव्यू के नाम पे मेंटालिटी बेचने वाले और तुम ये डिसाइड करो की दीदी कौन के रिव्यूर है बाकी आज की मजदूरी हम खत्म करते हैं और अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई बाकी मैं मिलता हूँ मजदूरी में तो हाँ थैंक यू हो thank you so much for I coming mean, bye